तो मैं ये बात कर रहा था कि ये चार जो स्पिरिट्स हैं इनके चार एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और वो जो सारे चार एलिमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है जी। आगे अब चलते हैं, अगर हम तो इसके अंदर मैंने बताया था आपको गेम जो खेल रहे थे, गेम गेम थी ओम्बर की, ठीक है, और कार्ड गेम है वो एक, ठीक है। जी तो ब्लिंडा के कैरेक्टर को अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो ब्लिंडा का कैरेक्टर कैसा है कि एक उसने टिपिकल कैरेक्टर ड्रॉ किया है अपने ज़माने की, एक खातून का जो कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास से ताल्लुक़ है जिसका, और न्यू क्लासिकल एज के अंदर किस तरह की खवातीन होती हैं, तो उसका ये दिखाता है कि वो जो उसके जागने का टाइम है ये बड़ी इसके ना इंटरेस्टिंग वो हैं, पोइट्री इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरा दिल तो कर रहा है, मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जो है पढ़ के पढ़ूँ उनको, लेकिन हमारे पास सारी बात है टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं और वैसे भी स्कोप नहीं है हमारा आगे कोर्स के अंदर, वो आपसे ये पूछ नहीं सकते क्वेश्चन कि जी कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, इस तरह का कोई सवाल नहीं हो सकता, ठीक है। बहरहाल मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये एक तो कितने बजे उठती है, जागने का इसका जो टाइम है वो 12 बजे है, ठीक है, 12-1 बजे इसके जागने का टाइम है, और उसके बाद उठते साथ ही इसने जो सारा सबसे पहले जो इसका काम है इसको उठाने के लिए कौन आता है, वो इसका लैपटॉप है, ठीक है, और लैपटॉप जो है उसका नाम है शॉक, ठीक है जी। लैपटॉप, लैपटॉप कौन सा होता था उस जमाने में, एक फैशन था कि ये छोटे छोटे जो कुत्ते होते हैं वो ये रखा करती थी खवातीन अपने साथ, और शॉक उसका नाम है, इसके जो कुत्ता है उसका नाम शॉक है, और शी इज अवेकन बाय शॉक, ठीक है, यानी कि उसका जो कुत्ता है वो आगे उसे जगा रहा है। तो ये उनके जो इमोरल किस्म की जो एक्टिविटीज है उनकी वो जिक्र कर रहा है, ठीक है, और कहता है कि वो जब जैसी उठती है साथ ही उठ के कुछ और करने की बजाय वो अपने जो लव लेटर्स का एक ढेर है वो उसे निकाल लेते हैं, और उसको क्या कहता है ये बिले डॉग, बिले डॉग्स जो है वो लव लेटर्स को कहा जाता है फ्रेंच में, ठीक है, तो बिले डॉग्स वो अपने खोल लेती है और वो उसके लव लेटर्स कितने हैं वो एक ढेर लगा हुआ है उसके पास, ठीक है, यानी कि लेटर्स उसने खुद बताया लेटर्स हैं पोएम के अंदर उसने बताया, तो वो जितने लेटर्स हैं वो सारे जो इसके फ्लर्टियस लॉर्ड्स वगैरह जो भी सारे हैं उनके लेटर्स जो है ना ये पढ़ती है, और उसके बाद ये ड्रेसअप होती है और एट नून टाइम ये जाती है अपने जो हैम्पटन कोर्ट में जहाँ पे इसने सारे पार्टी के अंदर यानी कि इन्वॉल्व, ये तो इनके वो दिखाता है इनके मॉरल्स क्या हैं कि दे वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, सॉरी इन द आफ्टरनून, मॉर्निंग में तो उठते ही नहीं है, और एंड दे स्टे अवेक टिल लेट एट नाइट, ठीक है, और जो नाइट पार्टीज हैं और ये सारा कुछ। तो और उसके बाद जब वो इसकी ड्रेसअप दिखाता है जो इसका वो मेकअप जो ये करती है वो दिखाता है, तो उसके अंदर भी इसने बहुत ही लंबी चौड़ी जो है ना वो एग्जैजरेट करता है उसको, मेरा तो यही ख्याल है कि एग्जैजरेट कर रहा है, लेकिन ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि एग्जेजरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो मेकअप के लिए उसने पूरा एक अपना स्टॉक है जिसको वो खोल लेती है, और उसके बाद पता नहीं कौन से पाउडर्स पफ्स और पैचेस और पता नहीं क्या क्या कुछ वो इस्तेमाल करती है, ठीक है, और उस जमाने के अंदर जो है ना वो पता है आर्टिफिशियल पैच, पैच कहते थे वो जो आर्टिफिशियल तिल लगा लेते हैं मुंह पे, तो वो आर्टिफिशियल तिल भी लगाते हैं, और उसके बाद जो पाउडर्स के साथ अपना चेहरा बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है, अगर आप कभी कोई पुरानी इंग्लिश मूवीज देखी हो तो उनके अंदर आपको ये नज़र आएगा कि इस तरह की वाकई नजर आती है खवातीन। तो ये सारा अपना ड्रेस करने के बाद वो जाती है हैम्पटन कोर्ट, और वहां पे जाके ड्यूरिंग द गेम ऑफ ओम्बर बैरन एक बंदा है जो कि इसको उसने प्रपोज किया था लेकिन ब्लिंडा ने उसको इनकार किया, और इनकार करने के बाद बैरन ने कहा कि ये तुम्हारी जो लटे हैं दो इसकी लटे हैं जो जिनकी वजह से ये सबको अट्रैक्ट करती थी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी वो लटें काट दूंगा, और इसने जाके उसकी जो लॉक्स हैं वो काट दी, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने कहा जो बैरन था उसने कहा कि ये जो लटे हैं ये मैं अपने हाथ पे बांध के फिरा करूंगा ताकि सारों को पता लगे कि इसने ये प्राइज जो है हासिल किया था, और उसके बाद फिर एक जंग शुरू हो जाती है उनकी आपस में, और जंग के अंदर एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है तो इनके पास वो जिसको ये पता नहीं क्या क्या उसके लिए नाम इस्तेमाल करता है, तो वो क्या है वो एक पिन है, और एक पिन है जो इसने उसको चुबोनी शुरू कर दिया है बैरन को और उसके साथ लड़ाई के अंदर, जाहिर ही बात है और इसने क्या करना है, लड़ाई किस तरह होगी, तलवारें तो इनके पास है नहीं, और उसके बाद वो दिखाता है कि ये जब चाय पी रहे होते हैं और उस दौरान सिल्फ इसकी देखभाल कर रही होती है, ठीक है,
और इसकी सेल्फ जो देखभाल इसकी कर रहे हैं, एरियल उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है एरियल, जो सेल्फ इसकी देखभाल कर रही है, ठीक है। ये आपसे वो सवाल पूछ सकता है कि उसकी देखभाल कौन कर रहा था, तो वो एरियल कर रहा था, ठीक है, या जो सेल्फ उसकी देखभाल कर रही है उसका क्या नाम है, तो इस तरह का आपसे सवाल हो सकता है। गेम का सवाल हो सकता है, और ये भी सवाल हो, वो बैठे कहाँ हुए थे, ठीक है, तो वो हैम्पटन कोर्ट में बैठे हुए हैं। और इसमें कोई ऐसी चीज़ मेरा ख्याल है नहीं है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन MCQs में, यानी कि कोई क्वेश्चन इसका आ सके। और उसके बाद ये होता है कि वो लट बहरहाल उसको मिलती नहीं है, बैरन को भी नहीं मिलती, वो लड़ाई झगड़े के अंदर वो लट जो है वो गुम हो जाती है, और उसके बाद वो किसी के पास नहीं जाती, और पोप ये कहता है कि ये लट जो है वो आसमान में जाके किसी सितारे के साथ ये पहुंच गई है, क्योंकि सितारे जो है वो हमेशा रहने हैं, और ये इसका नाम बिलिंडा का नाम जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा, ठीक है। ये वो पोप ने सारी जो बातें हैं ये किस तरह की हैं, उसने ये सारी बातें एपिक स्टाइल में की हैं, लेकिन एपिक कन्वेंशंस को मॉक किया गया, ठीक है, उनको जरा बिलिटल कर दिया, ठीक हो गया जी। तो ये इसके अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इसके MCQs के अंदर भी मेरा ख्याल है यही इस तरह की कुछ चीज़ें वो पूछ सकते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि और कुछ पूछ सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप कहें कि ये जो है दूसरे जो दो राइटर्स हैं, तीन राइटर्स हैं बल्कि, सरे वाइट और जॉन डन, इनके बारे में क्या सवाल हो सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में जो सवाल हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये आपको आपसे उनके बारे में पूछा जा सकता है कि उनका जॉन डन का जो सवाल आता है वो तो मेटाफिजिकल पोइट्री में हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, मेटाफिजिकल जो पोइट्री है या मेटाफिजिकल कन्वेंशन जो हैं उसके हवाले से सवाल आ सकते हैं, ठीक है, जॉन डन के बारे में कि कौन सी मेटाफिजिकल कन्वेंशन ये यूज़ करता है, हाइपरबली है और कंसीट है, या कंसीट का मतलब क्या है, हाइपरबली क्या होता है, ठीक है, और उसकी पोएम्स जो है वो दो तरह की उसने पोएम्स लिखी हैं, सॉन्ग्स ऑफ लव हैं और डिवाइन पोएम्स हैं और लव पोएम्स हैं, ठीक है, दो इसकी पोएम्स दो तरह की पोएम्स पब्लिश हुई हैं, ठीक है, तो ये उसके बारे में सवाल हो सकता है आपसे। और जो सरे और वाइट हैं उनके बारे में ये सवाल हो सकता है कि उन्होंने जो सोनेट्स लिखे हैं उनका पेट्रार्कन सोनेट था और किस किस्म का सोनेट था, राइम स्कीम उनकी क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग जो है ना आपने इसके अंदर लिखी होंगी मेरा ख्याल है, मैंने अभी सारी देखी नहीं है डिटेल में, लेकिन मैं इनको देखूंगा तो आइडिया हो जाएगा कि आपने क्या क्या कुछ इसमें वो किया। और ये वाले सवाल जो है ना इनको आप ज़रा देखिएगा, और उनका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा अगर आप देख लें, अगर आपको याद रहे कि सरे एंड वाइट, और सरे का जो असली नाम था, ठीक है, हेनरी हॉवर्ड उसका असली नाम है, अर्ल ऑफ सरे वैसे उसको कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना इनको कंपाइल कर लें जो क्लासिकल पोइट्री से रिलेटेड है, ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मुझे बताइएगा, इसको हम देखेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा कोर्स का जो काम है वो हम करेंगे, एक तो हमने नॉवेल्स करने हैं जो इस दौर में लिखे जा रहे हैं रोमांटिक एज में, वो नॉवेल्स हमने करने हैं एक तो, और दूसरा हम इसके अंदर करेंगे जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे वो क्लासिकल ड्रामा है वो हम शुरू करेंगे, ठीक है जी।